Hello, my name is Arunesh Tiwari. I am lecturer in Diploma Engineering Civil. And today topic is Estimating Costing Valuation. Unit 2 Specification. जो 7 marks का था, Estimating Costing Valuation का 7 marks का था, ये क्वेश्चन 3 marks के लिए रहते. ब्रिक वर्क स्पेसिफिकेशन फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, राइट. तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि ब्रिक वर्क में क्या क्या पॉइंट हम लोग स्पेसिफिकेशन में रखेंगे, राइट. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्पेसिफिकेशन फॉर ब्रिक वर्क, राइट. इन सीमेंट मॉर्टर, सीएम मींस सीमेंट मॉर्टर, 1 part cement and 6 part sand, राइट. तो यहां पे हम लोग सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे, जैसे कि है सीमेंट मॉर्टर में हम लोग स्टार्टिंग से अंत तक जितने उसका एक्टिविटी होते, सारे एक्टिविटी को पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग नोट करेंगे. फर्स्ट हमारा अगर ब्रिक वर्क मतलब बांधकाम, दीवार बांधना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए. देन मोर्टार होना चाहिए. मोर्टार क्या है, सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर का मिक्सर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्टार, जो लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नेम से लोग बोलते हैं. फिर सोकिंग ऑफ ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स को पानी में डुबाना है. क्यों, क्योंकि ब्रिक्स में जो भी ब्रिक्स हमारा ड्राई रहेगा, तो अगर डायरेक्ट हम लोग बांधकाम में अप्लाई करेंगे तो वो मोर्टार का वाटर अपने अंदर सोकिंग कर लेगा. तो इसलिए ब्रिक्स को ऑलरेडी हम लोग पहले 12 आवर्स कंस्ट्रक्शन यूज करने के पहले 12 आवर्स पहले हम लोग पानी में भिगो के उसको रखेंगे, यानी उसके अंदर जितने ड्राई है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे. देन है लेइंग, मतलब बांधकाम लेइंग, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, अलग अलग प्रोसेस हम लोग लेइंग करेंगे. फिर क्यूरिंग है, देन स्कैफोल्डिंग, देन मेजरमेंट. ये 7 points है, ये 7 points को ही आगे हम लोग ब्रीफ में देखेंगे एक एक पॉइंट्स को. फर्स्ट मटेरियल, मटेरियल्स में हमारे बांधकाम दीवार बांध रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि दीवार बांध रहे हैं तो सबसे पहले हमको ब्रिक्स लगेगा, फिर मसाला बनाने का, मसाला यानी मॉर्टर, मॉर्टर के लिए सीमेंट सैंड और वाटर लगेगा. सैंड को कपची बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और टेक्निकल में फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, राइट. फाइन एग्रीगेट मीन्स 4.7 mm सीव से जो पास होते सैंड उसको फाइन एग्रीगेट बोलते हैं. तो ये हमारे मटेरियल्स हैं. नेक्स्ट अभी ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है, सबसे पहले हमारा ब्रिक्स स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए. स्टैंडर्ड साइज मतलब ब्रिक्स का क्या है, 90x9x9, यानी आप यहाँ पे देखो एक ब्रिक्स, मान लो ये हमारा ब्रिक्स है, राइट. तो 19 ये वाला पोर्शन हमारा 19 रहेगा, ये वाला पोर्शन 9 रहेगा, ये वाला पोर्शन 9 रहेगा, राइट. तो जो 19 वाला इसको स्ट्रेचर बोलते हैं, और 9x9 का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, HS वाला एरिया, इसको हेडर बोलते हैं, राइट. तो ये हमारे ब्रिक्स हैं. तो सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक 90x9x9 cm, वो भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए. फर्स्ट क्लास ब्रिक के अभी आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक, वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए. ब्रिक्स का जो शेप है वो रेगुलर होना चाहिए, राइट. एंड जो एज है वो शार्प होना चाहिए, यानी ब्रिक्स के जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प होने चाहिए. दो ब्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, आपस में स्टक कर रहे हैं, ये स्टक मतलब क्या है, दो ब्रिक्स को हम लोग आपस में स्टक कर रहे हैं,
तो उसमें से क्लियर रिंगिंग साउंड आना चाहिए, तो वो ब्रिक्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है, राइट। देन उसके बाद से है जो ब्रिक्स है उसका कलर यूनिफॉर्म डीप रेड होना चाहिए या कॉपर कलर होना चाहिए यूनिफॉर्मली, मतलब सारे ब्रिक्स का एक जैसे कलर होना चाहिए, यानी कि एक ही ब्रिक्स में अलग अलग हो। वो ब्रिक्स फ्री फ्रॉम क्रैक्स, मतलब ब्रिक्स में क्रैक्स नहीं होना चाहिए, चिप्स नहीं होना चाहिए। इफ्लोरोसेंस, इफ्लोरोसेंस मतलब अभी यह डायग्राम में आप देखोगे इफ्लोरोसेंस, यहाँ पे डायग्राम में नीचे आप देख रहे हो ये जो वाइट वाइट लग जाते हैं इसी को इफ्लोरोसेंस बोलते हैं। ये क्यों इफ्लोरोसेंस होते, क्योंकि हमारे ब्रिक्स में सॉल्ट प्रेजेंट रहते, तो सॉल्ट प्रेजेंट रहते ब्रिक्स में, सॉल्ट कैसे प्रेजेंट रहेगा, ब्रिक्स हमारे सॉइल के बनते तो सॉइल में सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा, फिर उसके ऊपर हम लोग पानी मारते तो जब पानी सूख जाता ड्राई हो जाता तो वो जो सॉल्ट होते वो ब्रिक्स से बाहर सरफेस पे आके ड्राई हो जाते हैं, वही पाउडर फॉर्म में दिखते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफ्लोरोसेंस बोलते। फ्लॉ एंड लम्ब्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये डायग्राम में, फ्लॉ एंड लम्ब्स एनी काइंड सब, मतलब ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ड्राई ब्रिक्स जो मतलब ड्राई ब्रिक्स है उसको एब्सॉर्व करना है, 24 घंटे के लिए पानी में डुबा के रखना है, और फिर क्या करना है ये देखना है कि वो ब्रिक्स अपने वेट का 20% से ज़्यादा वो वाटर को अपने अंदर होल्ड ना करे, तो वो ब्रिक्स फर्स्ट क्लास है। अगर 20% से ज़्यादा अपने अंदर वो पानी अपने वेट का होल्ड करता तो ब्रिक्स फर्स्ट क्लास का नहीं है, राइट। नेक्स्ट और चेक करने का है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स क्या है, कि ब्रिक्स को लो और 1 मीटर हाइट से फॉल करो। कैसे ग्राउंड, ग्राउंड हमारा हार्ड होना चाहिए, हार्ड ग्राउंड होना चाहिए, 1 मीटर ऊपर से ब्रिक्स को फॉल करेंगे, अगर ब्रिक्स ब्रेक नहीं हो रहा है तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है, राइट। तो ये फर्स्ट क्लास ब्रिक के आप सारे पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रिक्स हमारा हो गया सीमेंट। अभी सीमेंट में हमारा क्या है कि सीमेंट हमारा पोर्टलैंड सीमेंट होना चाहिए। अभी सीमेंट का आईएस कोड है 269 अप टू डेट होना चाहिए, राइट। पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, हाई एलुमिना सीमेंट, ये स्पेसिफिकेशन जो भी करता है, जैसे अभी रोड कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करना है तो पोर्टलैंड ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते, तो जैसा वर्क रहेगा उस हिसाब से स्पेसिफिकेशन मेंशन करेगा कि यहाँ पे ये टाइप के सीमेंट हमको यूज करना है, राइट। उसके बाद से हमारा जो सीमेंट है उसका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 17.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होना चाहिए। इसको केजी में करेंगे तो 175 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए मिनिमम, ये लोड कैरी करना चाहिए। अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट है ये ग्रेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट के 3 ग्रेड है सभी लोग जानते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। अभी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन थ्री डे में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 33 ग्रेड का कितना होगा 16 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 43 का 22 और 53 का 33। 7 डे में 23, 33, 43, 28 डे ये फाइनल होता हमारा 27, 37, 53, राइट। तो ये स्ट्रेंथ हमको मिलना चाहिए 53 ग्रेड। अभी सीमेंट्स बैग पे आप देखोगे हमेशा ओपीसी 53 यानी 53 ग्रेड का सीमेंट, अभी जितने भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं 53 ग्रेड के सीमेंट यूज होते हैं, तो ये सीमेंट के बारे में हम लोग इतना लिखेंगे। देन है फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट सेंड, सेंड मतलब रेती, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं फाइन एग्रीगेट। हमारा फाइन एग्रीगेट कैसा होना चाहिए वो आईएस कोड 383 के हिसाब से अप टू डेट होना चाहिए, वो फाइन एग्रीगेट क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए एंड एंगुलर ग्रेन होना चाहिए। एंगुलर ग्रेन मतलब एक सेंट का एक पार्टिकल ले लो, ये राउंड हो गया, मतलब सेंट राउंड नहीं होना चाहिए, एंगुलर थोड़ा थोड़ा इस सेंट में ऐसे एंगल्स रहने चाहिए, जो ये डायग्राम है ये सेंट है इसमें आपको दिखेंगे। आप भी सेंट उठा के एक पार्टिकल्स को देखो तो उसमें एंगल्स हर जगह थोड़ा थोड़ा निकला रहेगा,
वो एंगुलर ग्रेन। एंगुलर ग्रेन इसलिए होना चाहिए क्योंकि दो सेंड आपस में परफेक्टली बॉन्ड क्रिएट कर सकें। अभी फाइन एग्रीगेट है तो वो 4.75 mm ISF से पास होना चाहिए, और वो जो सेंड है उसमें डस्ट नहीं होना चाहिए, डर्ट नहीं होना चाहिए, वेजिटेबल नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए, इस सबसे फ्री होना चाहिए। अभी हमारे सेंड एक रिवर सेंड होता है, एक सी सेंड होता है, तो सी सेंड हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों सी सेंड इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि सी में सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं, फिर सॉल्ट अगर सीमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए हम लोग सी सेंड यूज नहीं करेंगे। हमको रिवर सेंड और पीट सेंड यूज करना है। अभी पीट सेंड मतलब क्या होगा कि जैसे आप राजस्थान के ले लो, तो राजस्थान का हमारा सॉइल सब सॉल्टी है, मतलब सॉल्टी बोल रहा हूँ, फाइन सैंडी है, तो सैंडी है तो सैंडी है तो वहाँ पे रिवर नियर बाई नहीं होगा, तो ज़्यादा दूर से मंगाएंगे तो इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो वहाँ का जो सैंडी हमारा है वहाँ से हम लोग टॉप का 1 मीटर 2 मीटर हटा देंगे और नीचे का जो सेंड है उसको यूज कर लेंगे, क्योंकि टॉप का हटा देंगे क्योंकि टॉप पे डस्ट होगा डर्ट होगा, तो उसको हटा के नीचे यानी खड्डा, पीट मतलब क्या होगा, खड्डा खोद के नीचे से हम लोग सेंड जो यूज करते रहती उसको पीट सेंड बोलते हैं। तो हमारे सेंड में इतने पार्टिकल्स हैं। फिर वाटर, हमारा वाटर यूज होना चाहिए पोर्टेबल वाटर। जो पोर्टेबल वाटर मतलब क्या, जो वाटर हम लोग पीने लायक होता, जो हम लोग यूज करते पीने लायक नॉर्मली, वो वाटर हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। अब उस वाटर में क्या नहीं होना चाहिए, ऑयली वाटर नहीं होना चाहिए, एसिड नहीं होना चाहिए, अल्कलीज नहीं होना चाहिए, सॉल्ट नहीं होना चाहिए, और वेजिटेबल ग्रोथ वाटर, ऐसा मतलब कोई पॉन्ड है उसमें वेजिटेबल ग्रोथ है वो वाटर नहीं यूज करना है हमको, राइट, किसके लिए, मॉर्टल के लिए। तो हमको वाटर पोर्टेबल वाटर यूज करना है। नेक्स्ट ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। फर्स्ट पॉइंट मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो मटेरियल्स कंप्लीट हुआ, यहाँ पे मटेरियल्स कंप्लीट हुआ। अभी मॉर्टार, मॉर्टार क्या है वो हम लोग देखते हैं। अभी मॉर्टार हमारा है ब्रिक वर्क के लिए, उसका प्रोपोर्शन होना चाहिए, देखो 1:6, मतलब क्या है मॉर्टार, मतलब मॉर्टार इक्वल टू सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर। तो सीमेंट 1 पार्ट होना चाहिए और 6 पार्ट हमारा सैंड होना चाहिए। तो ये प्रोपोर्शन में हम लोग बांध काम में यूज करते, क्योंकि बांध काम के बाद बोथ साइड से प्लास्टर करते, बाहर में डबल प्लास्टर, अंदर में इंटर सिंगल प्लास्टर, तो प्लास्टर भी उस वॉल को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ज़्यादा सीमेंट नहीं यूज करेंगे, ये प्रोपोर्शन का यूज करेंगे, 1:6 का प्रोपोर्शन हम लोग यूज करेंगे। इसके लिए मोर्टार के लिए, बांध काम के मोर्टार के लिए। अभी क्या है कि आप लोग एक बैग सीमेंट मालूम है, एक बैग सीमेंट हमारा 50 kg का होता, अगर हम लोग 50 kg को वैल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.035 क्यूबिक मीटर होगा, अगर 50 kg को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 35 लीटर होगा, क्यूबिक मीटर में 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 35 लीटर होगा। तो सीमेंट बैग तो डायरेक्टली एक बैग यूज कर लेंगे हम, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में अगर 1 बैग सीमेंट है तो 6 बैग आपके नॉलेज के हिसाब से 6 बैग हम डायरेक्ट सेंड डाल देंगे, नहीं ऐसा नहीं। एक बैग सीमेंट का अगर हम फार्मा बनाएंगे, लकड़ी का एक बॉक्स बनाएंगे, तो उसका साइज हमारा कितना होगा, 35 cm by 25 cm by 40 cm, राइट, इसके हिसाब से एक फार्मा बनाएंगे। एक बैग सीमेंट अगर 50 kg यूज कर रहे हैं तो ये टाइप के जो हमारे बॉक्स होंगे वो 6 बॉक्स हम लोग सेंड यूज कर सकते, इसमें सेंड प्रॉपर ले जाएगा। बैग्स में क्या अगर सेंड कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम होगा, लेकिन एक बॉक्स रहेगा तो उसको हम लोग लेवल टॉप से लेवल करके उसके साइज़ का हम लोग दे सकते। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, एक बैग इक्वल टू 50 kg, उस 50 kg को मीटर क्यूब में हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर में, तो 0.035 क्यूबिक मीटर होगा, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 35 लीटर होगा। तो 0.035 को अगर हम लोग एक बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे, 0.035 क्यूबिक मीटर को एक बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा बॉक्स का साइज होगा 35 cm by 25 cm by 40 cm। और सैंड को जब हम लोग मेजर करेंगे ना, तो एवरी टाइम एज्यूम करेंगे कि हमारा सैंड ड्राई है, राइट।
उसके बाद से हमको क्या करना है कि जो सैंड है तो सीमेंट और सैंड को हम लोग को मिक्स करना है। तो मिक्स कब तक करना है कि जब तक सीमेंट और सैंड में यूनिफॉर्म कलर ना आ जाए, मतलब हमारा सैंड भी सीमेंट के कलर के जैसे ना हो जाए, फिर मिक्स करना है। मिक्स कहाँ पे करना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे मिक्स करना है जो क्लीन हो, साफ़ हो, क्लीन हो, या ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म बनाओ, या स्टील का प्लेटफॉर्म बनाओ, या कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाओ। उसके बाद से जो उसमें वाटर है ना वो धीरे से डालना है, धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली वाटर डालना है, और कंटिन्यूस उसको हमको टर्निंग एटलीस्ट 3 टाइम टर्न करके उसको मिक्सअप करना है। अगर ऐसे हम लोग करते ना तो उसका वर्केबिलिटी परफेक्ट आएगा, कंसिस्टेंसी परफेक्ट आएगा। जो हमारा जब पानी हम लोग डाल देंगे तो उसके 30 मिनट में हमको मॉर्टर बनाना भी है, उस मॉर्टर का यूज भी कर देना है, क्योंकि आफ्टर 30 मिनट्स वो इनिशियल सेटिंग उसका कंप्लीट हो जाता। 30 मिनट ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता, तो 30 मिनट के अंदर हमको मॉर्टर बनाना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, प्लेसिंग करना है, बांधकाम कर देना है। तो इसलिए ज़्यादा वैल्यू में हमको मॉर्टर नहीं बनाना है, ऐसा बनाना है कि 30 मिनट में वो यूज हो जाए, नहीं तो आफ्टर 30 मिनट्स वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। अभी हमारे मॉर्टर्स के कुछ ग्रेड्स हैं, देखो यहाँ पे मॉर्टर्स ग्रेड है, मॉर्टर ग्रेड्स का है H1, H2, H1, H2, H2, M1, 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 M2, राइट, ये ग्रेड्स के हमारे मॉर्टर्स होते हैं। तो जो H1 होता सबसे हाई होता 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसका प्रोपोर्शन हमारा देखो सैंड 3 है और सीमेंट 1 पार्ट सीमेंट 3 पार्ट सैंड। अभी हमारा क्या था 6 वाला बांधकाम, 6 वाला, तो यानी M1 का हम लोग यूज करेंगे जिसका स्ट्रेंथ है 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर kg सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर लोड केवल हमारा मॉर्टर कैरी करेगा, ब्रिक्स अलग है। तो ये हमारा टेबल है, ये ग्रेड्स ऑफ मॉर्टर हो गया। नेक्स्ट सोकिंग ऑफ ब्रिक्स, अभी आप डायग्राम में देख सकते कि ये ब्रिक्स को क्या कर रही है, एक पॉन्ड जैसे कलेक्ट, एक बकेट, एक बड़ा सा इसमें पानी कलेक्ट करके उसके अंदर पानी को पूरी इमर्ज कर दे, डुबो दे रही है ब्रिक्स को। तो ये सोकिंग यानी ये कम्प्लीटली उसमें इमर्ज हो जा रहा है पानी में ब्रिक्स। ये सेकेंड देखते, ये मोस्ट ऑफ हम लोग यूज करते ब्रिक्स के ऊपर पाइप से पानी मारते, तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्रिक्स का हमारा ओनली टॉप का कुछ पोर्शन ही हमारा क्या होता है, गीला होता, अंदर का पोर्शन ड्राई का ड्राई रहता है, लेकिन जब यूज करते तो वो क्या होता है, हमारा सेंट से वाटर को अपने अंदर सक कर लेता। तो ये मेथड प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ नहीं होते, तो हमको दोनों मेथड जो बेस्ट हो साइट कंडीशन। अभी रेनी सीजन है तो ज़रूरत नहीं है, तो रेनी सीजन में मान लीजिए बारिश हुआ, 2 दिन नहीं बारिश हुआ, तो ये मेथड चलेगा, क्योंकि रेनी से वो पूरी कम्प्लीटली सेचुरेट हो चुका होगा। तो हमारा ब्रिक्स है कम से कम 12 घंटा कंस्ट्रक्शन करने के पहले 12 घंटा उसको पानी में सोक करके रखना है, और फिर कंस्ट्रक्शन होने के 12 घंटा फिर निकाल के उसको डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं आधे से 1 घंटे बाद। जैसे 12 घंटा निकाले, आज 1 घंटे पहले निकाल लिए, 1 घंटे बाद बांध काम होने वाला है, दीवार बंद का कंस्ट्रक्शन होने वाला है, तो 1 घंटे पहले निकाल देंगे फिर उसको यूज कर लेंगे। तो ये सोकिंग ऑफ ब्रिक्स है। तो इसमें बस आपको यही याद रखना है कि 12 घंटा पहले हमको ब्रिक्स को सोकिंग करना, मतलब सेचुरेट, मतलब उसको पानी देना है। देन लेइंग मतलब ब्रिक्स जो बाद काम होता है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे हम लोग लेयर बनाते, तो लेयर के लिए वो एक मेथड है, ये फर्स्ट लेयर हो गया, फिर सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर ऐसे हुआ, फिर सेकेंड लेयर, ऐसे लेयर। तो ये लेयर वाला जो हमारा है वो इंग्लिश बॉन्ड, मोस्ट ऑफ इंग्लिश बॉन्ड, क्योंकि इंग्लिश बॉन्ड स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू फ्लेमिश बॉन्ड, राइट। तो इंग्लिश बॉन्ड को ही हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। फिर अगर कुछ दूसरा स्पेसिफिकेशन में चेंज आया कि नहीं, इंग्लिश बॉन्ड की जगह पे फ्लेमिश बॉन्ड यूज करना है, तो हम उसके हिसाब से वर्क करते हैं।
जो हर एवरी कोर्स है, एवरी कोर्स मीन्स एवरी कोर्स है, ये कोर्स हमारा हॉरिजेंटल होना चाहिए। यहाँ पर लिख रहा है एवरी कोर्स इज हॉरिजेंटल एंड वॉल शैल बी ट्रूली इन प्लम्ब। प्लम्ब बॉब से हम लोग क्या करता है, ऐसे एक थ्रेड रहता उसमें ऐसे एक प्लम्ब रहता, इससे एवरी टाइम हम लोग प्लम्बिंग करते। इससे क्या होता है, हमारा वॉल परफेक्टली वर्टिकली ये होता है, ये आप लोग देखे ही होंगे, राइट। तो हमारा हर लेयर एकदम हॉरिजेंटल होना चाहिए, लेवल में होना चाहिए, और वॉल प्लम्ब विथ हेल्प ऑफ प्लम्ब वर्टिकल होना चाहिए। उसके बाद से हमारा कंजुकेटिव कोर्स शैल नॉट कम डायरेक्टली ओवर वन अनदर। अभी इसका मतलब क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखो, एक लेयर ये हो गया एक ब्रिक्स का, देन उसके ऊपर एक और लेयर। तो यहाँ पे बोल रहा है कंजुकेटिव कोर्स, तो यानी यहाँ पे ये जो हमारा ज्वाइंट है और ये ज्वाइंट है, एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। फिर बोल रहा है वर्टिकल ज्वाइंट इन अल्टरनेटिव कोर्स सेल कम डायरेक्टली ओवर वन अनदर। फिर इसके ऊपर ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, इंग्लिश बॉन्ड में स्ट्रेचर हेडर होता, फिर उसके ऊपर स्ट्रेचर। तो अल्टरनेट कोर्स देख रहे हो, नीचे वाला ये स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, तो ये स्ट्रेचर का ये हमारा बॉन्डिंग है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डायरेक्टली एक दूसरे से जो है वो कंज वहाँ पे ज्वाइंट एक साथ नहीं आना चाहिए। ब्रिक्स शैल बी लेड विथ फ्रॉग अपवार्ड। ब्रिक्स में जो फ्रॉग होते, मतलब फ्रॉग आप मान लो ये ब्रिक्स का टॉप है, ब्रिक्स का एक टॉप है, उसमें देखते ना बीच में एक गड्ढा रहता जिसमें कंपनी का नाम लिखा रहता ABC, उसको फ्रॉग बोलते। बोल रहा है कि हर लेयर में जो फ्रॉग है ना वो ऊपर की तरफ रखना है, राइट, और लास्ट का जो लेयर होगा ना वहाँ पे फ्रॉग नीचे की तरफ रखना है। अभी फ्रॉग क्यों रखते हैं ब्रिक्स में, फ्रॉग रखने से एक तो है कि कंपनी का लोगो उस पर, किस कंपनी का ब्रिक्स बना है वो, सेकेंड वो की ज्वाइंट का काम करता है, एक लेयर दूसरे लेयर्स के बीच में वो की ज्वाइंट का काम करता है फ्रॉग। फिर हमारा ब्रिक्स डैमेज नहीं, ब्रोकन नहीं होना चाहिए। जो ब्रिक्स हम लोग बांध काम के लिए यूज कर रहे हैं वो हमारा ब्रिक्स कैसा होना चाहिए, सेफ, बेस्ट शेप में होना चाहिए। अभी बोल रहा है कि ये जो ज्वाइंट्स है ना, एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में हमारा जो मॉर्टर है ना वो कम से कम 6 mm तक रहना चाहिए थिकनेस। मॉर्टर का जो थिकनेस है, एक ब्रिक्स दो ब्रिक्स के बीच में मॉर्टर जो मसाला है उसका लेयर 6 mm तक रहना चाहिए, और साइड का जो ज्वाइंट्स है ना दो ब्रिक्स के, ये ज्वाइंट्स ये प्रॉपर फील होना चाहिए मॉर्टर से, ये नहीं कि थोड़ा ही, ये प्रॉपर फील होना चाहिए। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ ब्रिक वर्क शैल नॉट बी रेज्ड मोर देन 1 मीटर। अगर एक दिन हम लोग एक दीवार को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक दीवार को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक दिन में, तो दीवार मॉर्निंग में अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट किए इवनिंग तक, तो 1 मीटर हाइट तक ही एक दिन में करना चाहिए। 1 मीटर से ऊपर अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वॉल क्या होगा, बेंड हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, राइट, वॉल टिल्ट हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड है 1 मीटर एक दिन में कंस्ट्रक्शन वॉल को करना है। वॉल है एक थ्रूली कनेक्टेड होना चाहिए, राइट, वॉल जो है थ्रूली कनेक्टेड होना चाहिए। मान लो कि एक रूम है, यहाँ पे वॉल एक थ्रूली कनेक्टेड होना चाहिए, ये एक रूम है, तो ये वॉल को अगर हम लोग एक दिन में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 1 मीटर, तो फिर ये दूसरे वॉल को 1 मीटर कनेक्ट करना है, तीसरे वॉल को फिर 1 मीटर कंस्ट्रक्ट करना है, चौथे वॉल को, जब चारों वॉल एक एक मीटर हो जाएगा, फिर उसके ऊपर ये फिर इसी वॉल को दूसरे मीटर के लिए कंस्ट्रक्ट करना है, फिर इसको, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो प्रॉपर होना चाहिए, राइट, बॉन्डिंग प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस वॉल को 4 मीटर कंस्ट्रक्ट कर लिए और इस वॉल को 1 मीटर, ऐसा नहीं। अगर डिफरेंट रखना है तो ये जैसे 3 मीटर हो तो ये 2 मीटर, तो ये नहीं कि इसको 4 मीटर, तो इसको भी 3 मीटर करके फिर इसको 4 मीटर पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे कि वॉल का हम लोग अच्छे से रेक करेंगे। रेक मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो दो ब्रिक्स के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग का रेक्स करेंगे और क्लीन कर देंगे, राइट। अभी टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हम देख लेंगे, स्ट्रेचर बॉन्ड ब्रिक में बताया, जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है ब्रिक्स का
वो स्ट्रेचर होगा, जो हेडर क्या होगा 9x9 का भी साइज जो होगा वो हेडर होगा 19x स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में आप देख रहे हो कि नीचे स्ट्रेचर वाला लेयर है, ऊपर हेडर वाला लेयर है। फ्लेमिश में देख रहे हो कि एक ही लेयर में हेडर स्ट्रेचर दोनों आ रहे हैं। तो ये हमारा बॉन्ड है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देन है क्यूरिंग। जो बाद काम है ना, कम से कम 10 दिन, एटलीस्ट 10 दिन हमको क्यूरिंग करना है। ये देखो, ये पर्सन जो क्यूरिंग कर रहा है, ये बेस्ट मेथड है। एक्चुअली यही मेथड होना चाहिए, टॉप से पानी गिराना चाहिए और बोथ साइड पानी नीचे आना चाहिए, लेकिन हम लोग साइड से ही पानी मारते, तो वो प्रैक्टिस रॉन्ग है। ये प्रैक्टिस परफेक्ट है, राइट। तो दिन में हम लोग टॉप से ऐसे करेंगे, दिन में 10 दिन तक। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जब नाइट का पोर्शन आएगा ना, तो ये जो वॉल है तो इसके टॉप का प्लान ऐसे होगा। तो क्या करेंगे कि दोनों साइड ना वीक मॉर्टर, मतलब 1:8 1:9 मॉर्टर से हम लोग दोनों साइड बॉर्डर बनाएंगे, और इस बॉर्डर बनाएंगे और इसका डेप्थ कम से कम 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए इस वॉल के ऊपर ही। इस वॉल के ऊपर हम लोग बॉर्डर बनाएंगे और उससे 2.5 सेंटीमीटर डेप्थ होना चाहिए, मतलब उतना पानी, उतने थिकनेस पानी स्टोर होना चाहिए। तो उतना शाम के वक्त उतना पानी उसमें 2.5 सेंटीमीटर का डेप्थ का स्टोर करके छोड़ देंगे, जो रात भर क्या होगा, पानी टॉप से बॉटम पूरा आता है। एटलीस्ट 10 डे करना है। क्यों क्यूरिंग करना, क्यूरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यूरिंग इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा सीमेंट का केमिकल प्रोसेस होते ना, पानी की वजह से स्लो में होते। अगर पानी आप नहीं करोगे ना, तो सीमेंट का केमिकल प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। इसलिए क्यूरिंग इसलिए करते कि जो केमिकल प्रोसेस है स्लो हो, जितना स्लो केमिकल प्रोसेस होगा उतना हमारा स्ट्रांग होगा स्ट्रक्चर, राइट। तो इसलिए हम लोग मिनिमम 10 डे एटलीस्ट आपको करना ही है क्यूरिंग। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, तो आप समझने के लिए देख लो कि ऐसे देखते ना, प्लास्टर करना है, बाद काम करना है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। पर्सन यहाँ पे स्टैंडिंग होके प्लास्टर कलर जो भी है, तो इसको स्कैफोल्डिंग बोल रहे हैं। ये ज़रूरी है किसके लिए, क्योंकि इसी पे स्टैंडिंग होके प्लास्टर बांध काम ये सब हो सकता है। अभी जो स्कैफोल्डिंग है, साउंड मतलब और स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें उसी पे स्टैंडिंग हो, उस पे हमको भी स्टैंडिंग होना है, मटेरियल्स भी रखना है, इंजीनियर्स भी आएंगे साइड, तो उसी पे स्टैंडिंग होकर देखेंगे। इसलिए वो इतना होना चाहिए कि ये सारे लोड कैरी कर सके, तो इसका फोल्डिंग ये है। नेक्स्ट हमारा 7 है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट हमारा बांधकाम जनरली हम लोग क्यूबिक मीटर में लेते हैं, राइट। 9 इंच का वॉल जो बोलते हैं, 9 इंच का वॉल वो क्यूबिक मीटर में होगा। 9 इंच मतलब 225 mm, राइट। तो ये 9 इंच के लमसम होगा, तो 9 इंच का वॉल हमारा किस में होगा, क्यूबिक मीटर होगा। 20 सेंटीमीटर से ऊपर का जितना भी होगा वो क्यूबिक मीटर में लेंगे, 20 सेंटीमीटर से नीचे हमारा स्क्वायर मीटर, यानी पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल आप यहाँ पे देख रहे हो कि हाफ ब्रिक वॉल है यहाँ पे, ये देखो, ये हाफ ब्रिक वॉल है, यहाँ पे नीचे लिखा है हाफ ब्रिक वॉल, नहीं दिख रहा है, तो ये जो वॉल है ये हाफ ब्रिक है, देख रहे हैं ना, स्ट्रेचर स्ट्रेचर, तो इसको पार्टीशन वॉल बोलते हैं। इसका अगर मेजरमेंट हमको लेना है, ऐसे वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इसका मेजरमेंट हम लोग स्क्वायर मीटर में लेंगे, राइट। ये 1 ब्रिक वॉल है, तो यानी ये हम लोग क्यूबिक मीटर में इसको लेंगे, तो राइट। अभी हमारा इसका भी रेट अलग अलग रहेगा, वॉल के टाइप पे, मॉर्टर के टाइप पे, राइट, इसका भी अलग अलग रहेगा। जो हमारे ब्रिक्स हैं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, राइट, 1 ब्रिक, 1.5 ब्रिक्स, हाफ ब्रिक्स, ये रहेगा। जो रेट रहेगा उस रेट में, ऐसा नहीं कि ब्रिक का, उसमें हमारा क्या क्या आएगा, स्कैफोल्डिंग आएगा, टूल्स एंड प्लांट होगा, सारे चीज़ कंसीडर होगा। बाद काम होगा तो स्कैफोल्डिंग, टूल्स एंड प्लांट, टूल्स एंड प्लांट में जो घमेला है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे चीज़ कंसीडर होंगे
हमारे रेट में, वो नहीं कि उसका अलग से हम रेट देंगे, वो हमारे बांध काम में सारे चीज़ रहेंगे। तो ये हमारा ब्रिक वर्क का स्पेसिफिकेशन है, और इसमें हमको पहले 7 पॉइंट्स का सब 7 पॉइंट लिख लेना है, देन उसको एक्सप्लेन करना है एग्ज़ाम के लिए, तो आपको अच्छे वेटेज मार्क्स मिलेंगे। राइट, ये 7 पॉइंट्स को हम फर्स्ट लर्न करेंगे, देन उसके अंदर एक्सप्लेनेशन आप उन वर्ड से, कुछ टेक्निकल कुछ उन वर्ड से आप लोग एक्सप्लेन करोगे तो बेस्ट मार्क्स आपको मिलेगा। थैंक यू।